वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्रांतिकारी टंटिया भील का पुनर्जन्म बताया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह के रूप में हुआ है। दोनों की कार्यशैली एक जैसी है। टंटिया मामा अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे, शिवराज अमीरों से टैक्स वसूलकर गरीबों की सेवा करते हैं। दरअसल आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रदेश सरकार जनजाति समुदाय के क्रांतिकारियों को सम्मान दिलाने जा रही है। इसी क्रम में टंटिया भील की जन्मस्थली खंडवा से कलश माटी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सोमवार को खरगोन के भीकन गांव पहुंची, जहां सभा में मंत्री पटेल ने ये बयान दिया। जननायक टंटिया भील गौरव कलश यात्रा की शुरुआत शनिवार को पंधाना के गांव बड़ौदा अहिर स्थित उनकी जन्मस्थली से हुई थी। यहां से गौरव यात्रा पूरा निमाड़ भ्रमण कर 4 दिसंबर को पातालपानी पहुंचेगी। भाजपा के खाते में रहने वाले खरगोन की भीकन गांव विधानसभा सीट 2013 के चुनाव में मोदी लहर के दौरान कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस ने 2018 में दोबारा ये सीट जीती। ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ कांग्रेस की झूमा सोलंकी 2 बार से विधायक है। इस उपचुनाव में भीकन गांव सीट से कांग्रेस करीब 2200 वोटों से जीती है। वहीं कांग्रेस ने मंत्री और भाजपा से इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि आदिवासी वर्ग के महानायक टंटिया मामा की तुलना शिवराज जी से करना गलत है। टंटिया मामा को लुटेरा बता रहे हैं। मंत्री और भाजपा माफी मांगे। टंटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते। टंटिया मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे, हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते, समानता है। तो एक तरह से ये कह ले कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.